ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं रंजीत कुमार, लिखते हैं जंट जी आपसे निवेदन है, जो अखिलेश कश्यप है एक छोटे से सिंगर का गाना क्यों चुराता है, थोड़ा आप इसे समझाइए। भाई छोटे लोगों की उम्मीद रहती है आगे बढ़ने, कलाकार बनना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश कश्यप जैसे लोग गाना चोरी करके छोटे सिंगरों का करियर ख़त्म कर देते हैं। भोजपुरी में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का हक है, इस पर आपका क्या राय है? ओके भाई, देखो पहली बात तो ये है कि मेरा कोई संपर्क ही नहीं है उनके साथ, तो मैं समझा नहीं सकता हूँ। वीडियो के माध्यम से अगर वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे कहूँगा भाई ऐसा मत करो। दूसरी बात ये है ना कि ये एक तरफा तीर चलाना सही नहीं है, ठीक है। भोजपुरी में ऐसा कोई भी सिंगर नहीं है, शायद ढूंढेंगे तो टार्च बार के ढूंढोगे तो इक्का दुक्का कोई एक ऐसा मिल जाएगा जिसने कभी कोई चोरी का गीत नहीं गाया है। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री ने सबने चोरी का गाना गाया है, चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, रितेश पांडे हो, अंकुश राजा हो, अरविंद अकेला कल्लू हो, चाहे कोई भी हो, सबने गाया है। तो अगर आप सुधार चाहते हैं तो सबको बोलो, ठीक है ना। ये एक तरफा बोलने से और बिगड़ जाता है, समझ रहे हो? ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं बिमल कुमार, लिखते हैं भाई एक बात पूछनी थी, तुम बोलते हो भोजपुरी वाले अश्लील गाना रहते हैं गाते हैं रहते हैं, खैर वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता परोस रहे हो, वो क्या? जिस गाने का सीन लोग उतना ध्यान नहीं देकर देखते हैं, तुम वो सीन को भी अश्लीलता के रूप में दिखा देते हो, मतलब उसे उसके हाईलाइट करके अगला पिछवाड़ा करते हो। ओके, आपका सवाल मैं समझ गया हूँ, भले ही आपने थोड़ा अलट पलट करके लिखा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भोजपुरी में जिस अश्लील गाने में कोई ऐसा सीन होता है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैं उसे भी हाईलाइट करके दिखाता हूँ, तो अश्लीलता तो मैं भी फैला रहा हूँ, मैं आप यही कहना चाहते हैं। तो भाई देखो क्या होता है ना, एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं फल खरीदने के लिए, कभी भी आप ध्यान से देखिएगा, जो फल वाला होता है वो अच्छा फल ऊपर रखता है और ख़राब फल नीचे रखता है, और जब वो तौलता है ना तो दो फल ऊपर से उठाता है, एक फल नीचे से उठाता है, और ऐसे करके रख के आपको तौल देता है। और उस समय पर आपको दिख जाए कि एक फल ख़राब है, तो आप अगर उसको उठाकर बोलेंगे भाई ये फल ख़राब है, तो मतलब आप हाईलाइट कर रहे हो, उसने तो छुपाने की कोशिश किया था, हाईलाइट आपने किया, तो गलती आपकी हुई, आप यही कहना चाहते हो ना। आपको वो ख़राब फल लेके आराम से घर आ जाना चाहिए था। इस एग्जांपल से अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। भोजपुरी गाने में कुछ बोल्ड सीन ऐसे होते हैं, जैसे कि फूलल फूलल फुलौना इस टाइप का गाना, उसमें आप देखेंगे वीडियो में तो जो एक्ट्रेस है वो खूब हिला रही है, ठीक है, एक तरफ ये है। दूसरी तरफ अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इंसान की बॉडी को पूरा ओपन दिखाया जाता है। अब आप वो देखने के बाद क्या बोलोगे, कह रहे ऐसा तो हमारे भोजपुरी गाने में फिल्म बनता है, गाना बनता है, तो यार फूला फूला फुलाओ ना, वही तो तुम भी दिखा रहे हो, तो अश्लीलता तुम भी फैला रहे हो। आपके कहने का मतलब यही हुआ ना, दोनों जगह पे इंसान का गुप्तांग ही दिखाया गया, बट एक जो है वो आपको बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए और दूसरा आपकी बुद्धि खोलने के लिए, एक आपको एजुकेशन पर्पज से वही चीज़ दिखा रहा है और एक आपका दिमाग ख़राब करने के लिए दिखा रहा है, लेकिन दिखा दोनों वही चीज़ें रहे हैं। ठीक वैसे ही जो गाने में हिला हिला के आपको दिखाया जाता है, उसी चीज़ को मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि देखो ये गलत है, तो वो दिखाते हैं आपको दिखाने के लिए और मैं दिखाता हूँ आपको बताने के लिए कि यहाँ पर गड़बड़ है, दोनों में फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा फिर से पूछिएगा, फिर से बताएंगे। ओके ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं श्री राम, लिखते हैं लव यू झंड जी सर, भोजपुरी में गाना क्यों चोरी होता है? क्योंकि सिंगर खुद चाहता है कि गाना चोरी हो, क्योंकि गाना चोरी होगा तो उस पर न्यूज़ बनेगा, गाने पर अटेंशन मिलेगा और गाना चलेगा। किसी दूसरी इंडस्ट्री में तो हर दूसरे दिन गाना चोरी नहीं होता है, सिर्फ यही क्यों हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ होगी ना भाई साहब, या गाना लिख के सड़क पर फेंक देते हो, कोई उठा के गा लेता है,
ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं अभय कुमार यादव, लिखते हैं झंड जी मेरा सवाल ये है कि आज तक जब से रितेश पांडे और खेसारी के बीच विवाद हुआ है तब से अब ज़्यादा गाना नहीं बजता है रितेश पांडे का, और यही हाल है समर सिंह का, इस पर आपका क्या कहना है? भाई किसका गाना बजता है इस वक्त भोजपुरी में, किसका गाना बज रहा है? जिन लोगों का खेसारी लाल के साथ कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं उनका बज रहा है, निरहुआ का तो कभी कोई विवाद हुआ नहीं होगा, मुझे नहीं पता, अगर हुआ होगा तो थोड़े दिन पहले निरहुआ का गाना आया था एक दिन में 35,000 व्यूज़, दो दिन के बाद में 1.5 लाख व्यूज़। अरविंद अकेला कल्लू, उनका तो खेसारी लाल से कोई विवाद नहीं है, उनका गाना चल रहा है। अंकुश राजा, उनका भी खेसारी लाल से कोई विवाद नहीं है, उनका गाना चल रहा है। अंतरा सिंह प्रियंका, प्रियंका सिंह, शिल्पी राज, किसका गाना चल रहा है भाई? आज के साल 1.5 साल पहले गाने सबके चलते थे, दबा के चलते थे, उस वक्त खेसारी लाल और पवन सिंह के गाने पे एक दिन में 5-5 मिलियन व्यूज आए हैं भाई साहब। क्यों आए थे? क्योंकि लॉकडाउन था, लोग घरों में बंद थे, मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए था, तो लोग ज़्यादा टाइम YouTube पर स्पेंड करते थे और व्यूज़ आते थे। उस समय हम लोग के भी व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे। आज लॉकडाउन नहीं है, लोग काम धंधे में व्यस्त हैं, स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, आप कोई दिन भर बैठ के आपका गाना थोड़ी सुनेगा। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में जितने भी सिंगर हैं उन सब के मुकाबले इस वक्त खेसारी लाल का थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, वो भी सिर्फ ठीक ठाक ही कहेंगे, बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 5 से 6 लाख रुपए के गाने पर एक दिन में 1 मिलियन व्यूज आना ये कोई बहुत तीर मारने का काम नहीं है, बट ये है कि हाँ बाकियों के मुकाबले खेसारी लाल के गाने अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहना भी पड़ेगा कि हाँ भाई खेसारी लाल का ठीक ठाक चल रहा है। और खेसारी लाल का ठीक ठाक गाना चलने की कई सारी वजह हैं। पहला, उनका हर रोज़ गाना आता है और YouTube पर कंटिन्यू रहने से YouTube का जो एल्गोरिदम है उससे आपको फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा कैसे मिलता है कि अगर आप सर्च किए खेसारी लाल यादव, उनका एक गाना आया, आपने प्ले किया, आप गाना सुन रहे हैं और गाना सुनते सुनते मोबाइल आपने बगल में रख दिया और आप गाना सुन रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, खेसारी लाल का गाना ख़त्म होगा तो दूसरा जो गाना प्ले होगा, ऑटो प्ले होगा, वो भी खेसारी लाल का ही होगा, क्योंकि उनके रोज़ गाने आ रहे हैं। बट मान लीजिए पवन सिंह का आप सुन रहे हैं, एक गाना आपने सुन लिया, दूसरा गाना है ही नहीं, तो YouTube वहाँ पर भी खेसारी लाल के ही गाने प्ले करेगा आपको। तो YouTube पर एक्टिव रहने का ये पहला फ़ायदा है। दूसरी बात ये है कि खेसारी लाल के जो फ़ैन हैं वो एक्टिव फ़ैन हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। रात को 2 बजे भी अगर उनके पास कोई पोस्टर आ जाए ना, तो रात को 2 बजे भी पोस्ट करते हैं, 24 घंटे एक्टिव रहने वाले फ़ैन्स हैं उनके पास। खेसारी लाल का जब भी कोई गाना आने वाला होता है 1 हफ्ते पहले से ही फेसबुक पर हू हल्ला शुरू हो जाता है, तो इन सब से गाने को फायदा होता है। एक एक इंसान जो भोजपुरी में इंटरेस्ट रखता है, एक एक इंसान को गाना रिलीज होने से पहले तक एक एक इंसान के आँख और कान तक लोग पहुँचा देते हैं कि गाना आ रहा है, और जब कोई बड़ा गाना आ जाए ना तो 1 महीना पहले से ही हू हल्ला शुरू हो जाता है। और यहाँ रितेश पांडे के फैन कितने एक्टिव हैं भाई, रितेश पांडे खुद ही एक्टिव नहीं है तो उनके फ़ैन कहाँ से एक्टिव रहेंगे? गाना आने वाला है तो गाने के बारे में एक पोस्ट, गाना आ गया तो गाने के बारे में एक पोस्ट, दैट्स इट, काम ख़त्म। और उनके फ़ैन तो उनसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं। अभी 1-2 दिन पहले मैंने देखा, एक उनका फ़ैन था कोई, उनका रिलीज हुआ गाने का पोस्टर शेयर करके बोलता है ये नया गाना आने वाला है, वो 2 दिन पहले ही आके निकल गया, उसको पता भी नहीं है, वो भी फ़ैन है। तो इनका गाना कब आ रहा है कब जा रहा है इनके खुद के फ़ैन को पता नहीं है, तो दूसरों को कहाँ से पता चलेगा भाई? किसी भी गाने को चलाना है तो गाना आने से 1 हफ्ते पहले उसका पोस्टर बनाओ, जिस पर डेट बड़े लेटर में लिखो कि इतने तारीख को 1:00 बजे ये रिलीज होगा, और उसको सोशल मीडिया पर पूरा फैला दो ताकि हर इंसान को पता चल जाए कि हाँ ये गाना 1 तारीख को आएगा, गाना आया निकल गया पता ही नहीं चल रहा है। और खेसारी लाल का गाना ज़्यादा चलने की जो तीसरी वजह है वो है खेसारी लाल यादव। एक्सप्लेन करूं या समझ जाओगे? समझ जाना यार, क्यों एक्सप्लेन करूं? तो यार बस आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि और भी बहुत सारे सवाल थे, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जब मैं वीडियो शूट कर लेता हूं उसके बाद वो लोग कमेंट करते हैं
फिर बोलते हैं कि हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा चीज़ ये कि जिन सवालों के जवाब मैं अपनी वीडियो के प्रीवियस वीडियो के कई सारे वीडियो में दे चुका हूँ, वही सवाल लोग बार बार करेंगे और फिर कहेंगे कि हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तीसरी बात जो मैं बता चुका हूँ आपको कि मैं किसी धार्मिक मुद्दे पर कोई बात नहीं करता हूँ या पॉलिटिकल मुद्दे पर मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ, वो लोग भी बोलते हैं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि मैं पहले बता चुका हूँ। ज़्यादातर सवाल जो होते हैं वो वही होते हैं जो अपने पिछले वीडियो में हम जवाब दे चुके हैं। अब हर वीडियो में उसी का जवाब देते रहेंगे तो कौन देखेगा, तो मैं नया सवाल ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जो नया लगता है उसका जवाब देता हूँ। अगर आपका जवाब नहीं मिला तो आप पुराना वीडियो ढूंढिए, उसमें आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या पसंद नहीं आया। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे ज़रूर करना क्योंकि मैं वहाँ पर भी वीडियो डाल रहा हूँ। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।